विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव की मुलाकात, एक दूसरे का खड़े होकर किया अभिवादन, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गोवा में प्रमोद सावंत ने ली सीएम पद की शपथ, दूसरी बार बने गोवा के मुख्यमंत्री, 98 और विधायकों ने भी ली शपथ। देश भर में दिखाई दे रहा भारत बंद का असर, सरकारी बैंक बंद, खुली रहेंगी जरूरी सेवाएं। हर दिन बढ़ रहा महंगाई का बोझ, पेट्रोल में 30 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर महंगाई बढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर जोरदार वार पलटवार किया था, लेकिन आज विधानसभा में लोकतंत्र की खूबसूरती का कुछ और ही नजारा देखने को मिला है। दरअसल आज विधायक की शपथ लेने पहुंचे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए भी। सीएम योगी ने अखिलेश के कंधों पर हाथ रखकर उनकी पीठ भी थपथपाई। बता दें कि योगी जब विधायक पद की शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो अखिलेश यादव अपनी सीट से उठकर उनका अभिवादन करने के लिए उठे और उन्होंने सीएम से हाथ मिलाया और कुछ कहते भी दिखाई दिए। वहीं योगी के बाद अखिलेश विधायक की शपथ लेने के लिए उठे तो सीएम योगी ने भी उठकर उनका अभिवादन किया। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आज की और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें छाई हुई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन के विधायक पद की शपथ ली है। अखिलेश यादव सदन में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो करहल विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ मोदी सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया था। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी अखिलेश के लिए चुनाव प्रचार किया। अखिलेश इससे पहले आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद थे। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया। अखिलेश अब यूपी विधानसभा में सपा विधायक दल के नेता के तौर पर विपक्ष की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। मैं अखिलेश यादव, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। सभा में शपथ ली है और योगी आदित्यनाथ उनका अभिवादन करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि वो आजमगढ़ से सांसद थे, लेकिन उन्होंने अपना पद छोड़ा है और अब वो करहल से विधायक चुने गए हैं। ऐसे में वो शपथ लेते हुए आज जो विधानसभा में नजर आए हैं। अखिलेश यूपी विधानसभा में सपा विधायक दल के नेता के तौर पर विपक्ष की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। वो जुलाई का महीना था जब उसकी मौत हो गई, मौत भी ऐसी जो अनसुलझी पहेली बन गई। गुनाहों का आरोप उस पर जिसने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसम खाई थी, उसको मरे हुए साल हो गए सिर्फ और सिर्फ फाइलों में। पुलिस ने उसके गुनाहों का जिसे कातिल समझा, वो कातिल नहीं था बल्कि खुद पत्नी के जुल्मों से सताया बेबस पति था, क्योंकि वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी और उसके कत्ल का इल्जाम झेल रहा पति सलाखों के पीछे। ये हैरान करने वाला वाक्य है एटा का, जहां जुलाई 2021 में एक महिला की हत्या कर उसका शव गायब करने की रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर 5 व्यक्तियों के खिलाफ जलेसर थाने में लिखी गई। वहीं महिला शनिवार को पिलुआ थाना क्षेत्र के गाँव में जीवित मिल गई।
वहीं हत्या के मामले में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली है। जलेसर थाना क्षेत्र के गांव लुहचा निवासी जगदीश ने बताया कि उसकी शादी कासगंज के गांव राजपुर निवासी चंद्रवती से हुई थी। कहा कि कुछ समय बाद उसकी पत्नी बिन बताए कहीं चली गई। इसकी गुमशुदगी 22 जुलाई 2021 को जलेसर थाने में दर्ज भी कराई गई थी। कहा कि इस दौरान पत्नी के चाचा की तरफ से कोर्ट के आदेश पर उसके भाई जितेंद्र और मुनीश पिता बच्चू सिंह सहित देवरानी चंद्रवती उर्फ निक्की के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने जब छानबीन की तो ये पता चला कि महिला को जीवित अवस्था में देखा गया है। स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को जानकारी दी थी। पुलिस इंतजार कर रही थी और एटम ही नहीं कई दूसरे इलाकों में भी खोजबीन जारी रही। तब कहीं जाकर गांव महाराजपुर से महिला को बरामद कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने महिला के जीवित मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने महिला का बयान भी दर्ज कर लिया है और उसका मेडिकल भी कराया है। घर वाले का नाम कौन जा था मार के कौन सा बताओ तुम बताओ नाम बताओ ना हमें क्या पता पड़ रही है इतने आदमी खड़े यहाँ पर बताओ नाम बताओ किन्ने कहाँ पर है आपकी ससुराल कहाँ पर थी जलेसर में कौन सा गाँव पति का नाम क्या है तुम्हारे जो तुम्हारा पहला पति है उसका क्या नाम है तुम्हारे ससुराल तुम्हारे मायके वालों का क्या नाम है माँ के वालों घर नाम नहीं मालूम तुमको तो नाम तो बता दो जो जेल में है उनका और अच्छा एक बात और बता दो हमें तुम्हारे घर पे ये लेकर के गए थे उस दिन मारपीट हुई थी तुम्हारे ससुर को जान से मार दिया वो तुम्हें पता है मार दिया था और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आसिफ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ ये पूरा मामला किस तरह से है क्योंकि जो महिला बताई जा रही है खुद कह रही है कि मुझे मार दिया था मेरे पति ने लेकिन वो तो जिंदा है दूसरी शादी कर ली है पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है इस बार ये महिला का जो बरामद किया गया है पुलिस द्वारा बताया जा रहा है इस महिला ने दूसरी शादी की गई है जहां तक खुलासा हो रहा है इस बात का लेकिन सवाल ये उठता है जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया था वो इस पर जेल काट रहा था लेकिन अब लगता है कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद उनको राहत मिलेगी बिल्कुल लेकिन सवाल ये भी उठता है कि पुलिस ने आखिर किस तरह से छानबीन की किस तरह से रिपोर्ट बनाई कि महिला को मृत दिखा दिया और उसके आरोप में पति और ससुर को जेल भिजवा दिया जी कहीं ना कहीं पुलिस की खामियां होंगी जिस तरीके से देखा जाए पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट में इसको मृत घोषित किया लेकिन परिजनों का आरोप है कि हमने इस जिले में नहीं तमाम और जिले में गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए थे कि लापता को लेकर ढूंढने वाले को इनाम घोषित किया जाएगा लेकिन कुछ मुखबर की सूचना पर जिस महिला को देखा गया तब थाने में इन्फॉर्म किया गया जलेसर थाने में तब पुलिस ने और उसको वहां पकड़ा लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि इस महिला जहाँ जिस व्यक्ति के साथ रह रही वहाँ इसके शादी बिल्कुल आसिफ जो महिला ये बताई जा रही है जिसने दूसरी शादी की है उस परिवार का क्या कुछ कहना है जो महिला के परिवार वाले हैं जिन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है हालांकि अभी उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया जो इसके पहले पति हैं पुलिस ने उसको सौंप दिया गया है और जिनके ऊपर हत्या के आरोप थे इस शाम के तौर पर इसकी गुमशुदगी को बरामद भी दिखाया गया है लेकिन मृत नहीं थी और जो चाचा द्वारा कोर्ट में आदेश किए हुए थे उनको रिहाई की मांग की जा रही है। चलिए ठीक है शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये पूरा मामला एटा का जहां पर एक पूरी कहानी गढ़ी गई है गुमशुदगी की उसके बाद हत्या की और बेकसूर जो लोग थे कथित तौर पर जो बेकसूर थे उन्हें सलाखों के पीछे रखा गया है आरोप ऐसे लग रहे हैं ये हम नहीं कह रहे लेकिन जो ये महिला
कि कहानी सामने आई है वो वाकई चौंका देने वाली है। प्रमोद सावंत ने आज लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राजधानी पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक समारोह के दौरान सीएम पद की शपथ दिलाई गई। बता दें कि प्रमोद सावंत तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। उनके साथ ही रवि नायक, नीलेश कब्र और विश्वजीत राणे, माविन गिदनोहा, सुभाष रोड़कर को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ बीजेपी के नेता शामिल हुए। ट्रेड यूनियंस के ज्वाइंट फोरम की तरफ से आज और कल दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया है। हड़ताल का आयोजन कर्मचारियों, किसानों और आम लोगों पर प्रतिकूल असर डालने वाली सरकार की कथित गलत नीतियों के विरोध में किया गया। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की दो दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल शुरू हो गई है। इस हड़ताल का बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट सर्विस पर बुरा असर दिखाई दे रहा है। इस हड़ताल को लेकर सेंट्रल ट्रेड यूनियन के ज्वाइंट फोरम की 22 मार्च को अहम बैठक हुई थी। इसमें देश के अलग अलग यूनियन को नोटिस जारी कर 28 और 29 मार्च को होने वाली हड़ताल में शामिल होने की अपील भी की गई थी। ज्वाइंट फोरम में कुल 10 ट्रेड यूनियन शामिल हैं। और जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। ये जो बोझ है महंगाई का वो रोजाना बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उछाल का दौर जारी है। 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है और इस सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगता भी नहीं है कि अभी थमेगा। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी वाहन ईंधन पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 30 पैसे जबकि डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में अब पेट्रोल का रेट शतक पार करने को पूरी तरह से तैयार बैठा है जबकि डीजल का भाव भी 90 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानियाँ बढ़ानी एक बार फिर से शुरू कर दी है और सिर्फ दिल्ली नहीं, आसपास के जितने भी राज्य हैं दिल्ली से सटे वहां पर हालात ऐसे ही बने हुए हैं। वहीं फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर बकेवर चौड़गारा हाईवे की ओर से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी जिसके चलते बाइक सवार दंपति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ग्रामीणों को मामले में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। जनपद फतेहपुर थाना बकेवर क्षेत्र अंतर्गत बटेवर चौड़गरा हाईवे पर आज सायं रतनपुर मोड़ के पास में पति पत्नी दिनेश पाल उम्र 38 वर्ष व श्रीमती मिथिलेश उम्र 35 वर्ष निवासी रसूलपुर थाना औंग जनपद फतेहपुर बाइक से कहीं जा रहे थे कि अज्ञात वाहन की टक्कर से दोनों की मौके पर दुखद मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतक के परिजन के प्रार्थना पत्र पर थाना बकेवर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है, अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। और यहां रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the cheer makers, the dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में
न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone. My name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579। बिजनौर के नजीबाबाद के कान्हा होटल में बीती रात इकराम कुरैशी की शादी में फिल्मी सितारों ने शिरकत की। इस शादी समारोह में फिल्मी हस्ती रजा मुराद, अल्ताफ राजा, जरीन खान, हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव सहित कन्या कलाकार भी शादी में पहुंचे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। शादी समारोह में फिल्मी कलाकारों ने शादी में पहुंचे लोगों का स्टेज से मनोरंजन भी किया। इस कार्यक्रम में फिल्मी सितारों ने डांस और गाना गाकर समारोह में समा बांध दिया। इन कलाकारों को लेकर होटल में भारी संख्या में पुलिस बल को भी लगाया गया था। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ये पहला मौका है कि आज मुझे नजीबाबाद आने का शर्फ हासिल हुआ है। बहुत सुना था यहाँ के बारे में, आज आ गया, रूबरू आप सबके दीदार हो गए। इतना ही कहूंगा आपको देखकर कि परसों से इंतजार था, आज जीत हो गई। परसों से इंतजार था, आज जीत हो गई। बस यूं समझिए, आज मेरी जीत हो गई। तो और आने का तो बड़ा अच्छा मौका है, इकरामिया की शादी है और मैं मुबारकबाद दूंगा हाजी यूनुस साहब को, वसीम साहब को और इकरामिया को, और अल्लाह ताला से बारगाहे इलाही में उनकी अज़वाजी जिंदगी की कामयाबी की दुआ करूंगा। यही मैं यहाँ आप सबके सामने आया हूँ कहने के लिए। और शादी जो है एक बहुत ही मुकद्दस, हम मुकद्दस कह सकते हैं, हम पवित्र कह सकते हैं, इससे अच्छा कोई बंधन, इससे मुकद्दस कोई रिश्ता होता नहीं है। तो इनकी ज़बान ठीक है। मैं धंधे वाला आदमी हूँ, मैंने 5-6 बुलडोजर किराए पे लेके डाल दिया है, अब मैं अटैच करवाने के लिए ढूंढ रहा हूँ। तो डर आपको बुलडोजर से आपको भी लग रहा है? मैं भी कोई सीधा कोई गलत मैं, मेरी भी कुछ नाजायज जमीने वगैरह हैं, झूठ क्यों बोलूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोलती।
ऐसा सच्चा आदमी भी नहीं मिलेगा। सबसे खतरनाक अभी क्या हो गया पता है शरद भाई, अभी गाड़ी से सुना एक कह रहे हैं आपको टेलीविजन में बहुत देखा है, हमने कहा जी शुक्रिया, जिंदा पहली बार देखा है। मेरठ के नौचंदी क्षेत्र के गांधी आश्रम चौराहे पर सड़क किनारे बनी एक दुकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि दुकान चाय बनाने वाली एक बुजुर्ग महिला की थी। वही दुकान के अंदर रखे गैस सिलेंडर से इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ कि आसपास के लोग घबरा कर घरों से बाहर निकले। स्थानीय लोगों का अंदाजा था कि दुकान के अंदर ही वो बुजुर्ग महिला सोती थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने दुकान को का ताला तोड़कर बुजुर्ग महिला की तलाश की, पर गनीमत रही कि घटना के वक्त दुकान में बुजुर्ग महिला मौजूद नहीं थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यहाँ पे आग लग गई, ये कुछ हो गया होगा इसमें, कुछ इसका तो सोका तक आएगा सोका था। चाय पानी की कोई बुढ़िया सी लगाती है यहाँ पे, लपटे उपटे उठ के अड़ोस पड़ोस वालों ने कम्प्लेन करी, फायर ब्रिगेड आ गई, फायर ब्रिगेड ने आग वगैरह बुझा दी, अब लाइट सुचारू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से कड़ी सुरक्षा में राजधानी लखनऊ लाया गया। मुख्तार अंसारी को लखनऊ MBA MLA कोर्ट में पेश किया जाना था, उसकी कोर्ट में पेशी थी। तबियत खराब होने के चलते वो व्हीलचेयर पर बैठकर अंदर गए। सभी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मुख्तार अंसारी के काफिले की नॉनस्टॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। उनके समर्थक भी बांदा से लखनऊ यात्रा के दौरान अपनी गाड़ी से चलते रहे। पेशियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें बांदा भेज दिया गया। मेरठ के बोला झाल में एक बार फिर से बालू खनन करने वाले माफिया एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, जहां पर गंग नहर से स्टैंड लगाकर बालू खनन किया जा रहा है। बताया जाता है कि इनका नेटवर्क काफी बड़ा है और बालू निकालकर ये आमदनी करते हैं। हालांकि पहले भी इस तरह के मामले सामने आने पर प्रशासन ने समय रहते एक्शन लिया है और इस तरह के लोगों पर रोक लगाई है, लेकिन अब एक बार फिर से इस तरह की तस्वीरें आम होने लगी हैं। सितारगंज के नानकमत्ता क्षेत्र में सोशल मीडिया पर राशन कोटा धारक का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में नानकमत्ता क्षेत्र के बिडौरा मझौला कोटा धारक के पास एक महिला गांव के प्रधान से पर्चे लेकर कोटा धारक के पास राशन लेने गई थी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में आरोप है कि कोटा धारक ने महिला को अपशब्द बोली, जिससे महिला के पास में खड़े युवक ने कोटा धारक की वीडियो बनानी शुरू कर दी। वहीं इस पूरे मामले में पूर्त निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह धामे का कहना है कि मामला शनिवार का है। वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आने के बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। जांच में पता चला है कि लाभार्थी का कार्ड ऑनलाइन ना होने के कारण सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता ने उन्हें राशन देने से इनकार किया होगा। एक मिनट, आपको सरकार क्यों भेज रही है ये बताइए ना मुझे, कि आप गरीब जो भी कोटा लेने आ रहा प्रधान ने वैल्यू से लिख के दिया, सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है। आप बताइए ना, जवाब दीजिए, आप सरकारी गल्ले पे बैठे हैं, दीजिए जवाब कि आप भिखारी बोलोगे कोई राशन लेने आएगा तो। प्रधान ने बकायदा लिख के दिया, पर्ची कहाँ है, पर्ची दिखाइए आप, पहले हम जो पर्ची है प्रधान जी की दिखाइए आप। इन्होंने रख लिया पर्ची, और इसे क्या बोल रहा था आपको, इधर आओ, वहाँ बैठ, क्या बोला इन्होंने कहा जब भी आ जाती हो वो क्या है थैला उठा के भिखारी करो, हम भिखारी हैं, हम भीख नहीं दे, हम भीख नहीं दे सकते। अरे जनता आप देख रही हो, लाइव चल रहा, जनता लाइव देखो, ये कोटे मास्टर हैं, बिडोरा मझोला के कोटा, ये भिखारी बोल रहे हैं, भिखारी नहीं। एक मिनट जवाब दीजिए आप, राशन एक कोटा चक्की में पीसते हो, ब्लैक बेचते हो, मैं तेरे आप जवाब दीजिए, आपसे प्यार के शब्दों से पूछा जा रहा, आपको सरकार ने किस लिए बिछाया है, बेचने के लिए अनाज दो, अनाज दो, ये बेचो गरीबों का, बेच के खाओ, ये रहा अनाज, खाओ खाओ ना, पोस्ट बढ़ाओ अपने। बलरामपुर में तराई के इलाकों में नेपाल से होकर निकलने वाली उप नदियों और नालों में बहुत सारी खनिज संपदा भी बहकर आती है। यहाँ खनिज संपदा के रूप में बालू मिट्टी अलग अलग तरह के खनिज बहकर आते हैं, लेकिन यहाँ के खनन माफिया लगातार इस संपदा को न केवल लूटने में लगे हैं, बल्कि आरोप है कि पुलिस और प्रशासन के लोग भी उनकी मदद करके इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं।
ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जमधारा नाला है और ये जैसा कि बालू की क्वालिटी से लग रहा है कि ये धोबैनिया नाला का बालू है। बालू की क्वालिटी मोटी है, इसका मतलब ये धोबैनिया नाले का बालू है और धोबैनिया नाला इससे कुछ दूर आगे बहता है, तकरीबन 500 मीटर आगे, और उससे 2 किलोमीटर आगे हर्रैया सदघरवा थाना पड़ता है, जहां के अधिकारियों पर ये दारोमदार है कि इस तरह की ना तो क्षेत्र में अवैध डंपिंग होगी और ना ही इस तरह से बालू निकालकर अवैध रूप से बेचा जा सकेगा। लेकिन खनन के अपराधी लगातार कई सालों से यहाँ पर फल फूल रहे हैं। जो भी थानेदार आता है या जो भी लोग आते हैं वो लगातार इसी तरह से खनन माफियाओं को संरक्षण देते हैं, नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। इसीलिए आप ये 50 ट्रॉली बालू लगभग आप यहाँ पर डंप देख रहे हैं। तो इस तरह से बालू का जो गोरख धंधा है वो यहाँ पर लगातार फलता फूलता है और लोगों को जो परेशानी होती है, जो प्रकृति को जो समस्या होती है वो इसी कारण से होती है। लगातार ये क्षेत्र इसी कारण से बाढ़ की समस्या झेलता है, लगातार ये क्षेत्र इसी कारण से भूमि क्षरण की समस्या झेलता है और लगातार इस तरह की तमाम समस्याएं होती हैं जो लोगों को नहीं होनी चाहिए। और इसके बावजूद अगर देखा जाए तो सरकार को करोड़ों रुपए के जो राजस्व की हानि होती है उसकी तो बात करें बेहतर है। बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।